दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर साल 2019 में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जिसके बाद देश के कोने कोने में प्रदर्शन शुरू हुए थे। धरना प्रदर्शन को लेकर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें बाद में एक पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी मर्जी से अपने जीवन जीने का अधिकार है। जब किसी को लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो गांधी जी के दिखाए रास्ते का सहारा लेता है और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना और आंदोलन करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन और प्रदर्शन करने को लेकर पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं रख सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार देती है, लेकिन कुछ कर्तव्यों की बाध्यता के साथ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमने सिविल अपील में पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर विचार किया है, हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में ही एक और अर्जी लगाई थी, जिसमें महिलाओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंदोलन को लेकर अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया गया, उस पर फिर से सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि साल 2020 में दिल्ली का शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बनकर उभरा था, जहां प्रदर्शनकारी अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे 3 महीने से अधिक समय तक धरने पर बैठे थे। ये प्रदर्शन 100 दिनों से ज्यादा समय तक चला था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।